हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आपको पता है, मैं गोवा में हूँ और कैंडोलम बीच से निकल के हम सब ने डिसाइड किया कि जो मेन रोड है कैंडोलम बीच आने के लिए, वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, तो हम वहाँ डिनर करेंगे। लेकिन उससे पहले सोचा शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पे हैंडमेड ये इयरिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और अराउंड 10 o'clock ये शॉप क्लोज हो जाती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आपके ये हैंगिंग वाले ये ड्रीम कैचर थे, हैंड बैग्स बहुत ही ज़्यादा जूट के बने हुए अच्छे थे, ये भी हैंडमेड थे सारे। और ये देखिए, ये नज़र वाली आए होती हैं, वो आई थी एविल आए, फिर वहाँ से पास में हम एक रेस्टोरेंट पहुँचे। इसकी वाइब बहुत खूबसूरत थी, इसे बहुत अच्छा बना के रखा था। यहाँ मेरे भाई ने पकड़ ली थी अपनी सीट और हम मस्तियाँ कर रहे थे। उसके बाद मैंने मंगवाई अपने लिए कोक, और कांच की बोतल वाली कोक थी। मैं तो यहाँ बैठ के इस तरह एंजॉय कर रही थी, और यहाँ मेरे सिस्टर वगैरह सब लोग देख रहे थे कि क्या मंगवाना चाहिए। और यहाँ देखो, मेरी नीस को मैं कोक पीऊँगी और ऐसा ना हो कि वो पिए, ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ये लोग सब मेन्यू देख रहे थे, और तब तक मेरी मदर थोड़ा सा घूम के रेस्टोरा देख रही थी, क्योंकि इस रेस्टोरा को मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगी। आप देखना, इसकी वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम लोग ऑर्डर कर रहे थे, इसलिए उससे सबसे पहले पूछा कि क्या है। और मेरी मदर तो घूम फिर के देखो अभी आ रही थी, और मैं उनका इस तरह से वीडियो बना रही थी। उनका फेस मैंने इसलिए रिवील किया हुआ है आप लोगों को, क्योंकि मेरी मदर है होम मेकर, उनको कोई नहीं जानता है, तो किसी को पता नहीं चलेगा मैं और मेरे सिस्टर ब्रदर कौन है। यहाँ पे मेरी मदर मेन्यू देख रही थी, डिसाइड कर रही थी कि क्या ऑर्डर किया जाए, क्योंकि ये गोवन रेस्टोरेंट है और यहाँ का फूड डेफिनेटली नॉनवेज अच्छा होगा। तो हम सब ने सबसे पहले उसे बोला 5 मिनट में क्या ला सकता है, उसे टेस्ट करके देखते हैं, अगर अच्छा हुआ आगे ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे ये उत्पम मंगाया था सांभर के साथ, और हम सब ने एक उत्पम में से बारी बारी से टेस्ट किया। सच में गाइस बहुत अच्छा था। तब तक हम सब ने अपना ऑर्डर दे दिया था, तब तक हम सब अपनी कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय कर रहे थे। और देखो, शेयरिंग इज केयरिंग, क्यों तो हमें पहले डिसाइड करना था अच्छा है कि नहीं। और अब हमारा ऑर्डर आ चुका था। ऑर्डर में जैसा आप लोगों को पता था, चिली चिकन होना ही है, फिश करी थी और क्रैप्स थे जो मेरी नीस को खाने थे, और प्रॉन्स थे, फ्राइड राइस थे, लच्छा पराठा था, और काफ़ी चीज़ें थी जो अभी आने वाली थी, सैलड वगैरह। मैं दिखाती हूँ आपको इस रेस्टोरेंट को, ये काफ़ी ओपन रेस्टोरेंट है, ऊपर से पूरा ओपन है, बहुत ही अच्छा बना के रखा है, कवर भी करके रखा है। फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अच्छा था। डिनर करने के बाद हम बाहर निकले, डिनर बहुत अच्छा था। यहाँ एक 24 आवर्स सुपरमार्केट है जो ओपन होती है, जहाँ हम पहुँचे थे आइसक्रीम खाने, क्योंकि मेरी सिस्टर को स्टिक वाली आइसक्रीम पसंद है, तो हमने जाके वहाँ आइसक्रीम चॉइस करी, और हम सब ने अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम्स ले ली थी। मैं इस रेस्टोरेंट का नाम और इस सुपरमार्केट का नाम और लोकेशन सारी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। गाइस, आप लोग कभी गोवा जाएं तो यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा, सच में ही इनका वेज और नॉन वेज फूड बहुत अच्छा है। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। टाटा।